हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो दोपहर के 3 बज चुके हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि डेली बेसिस पे आपसे हम यहाँ मिलते हैं, जहाँ हम बात करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की, जो भी इसके इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के आर्टिकल्स होते हैं ये हम यहाँ डिस्कस करते हैं। और डेली बेसिस पे आपसे हम 3 से 4 आर्टिकल्स, कभी कभी 5 भी आर्टिकल्स हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, इसी सिक्वेंस में आज भी मेरे पास में 4 से 5 आर्टिकल्स हैं और कोशिश करेंगे शॉर्ट टाइम में, यानी 50 मिनट के अंदर में, हम लोग जितने भी आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये कवर कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्लास को ज्वाइन कीजिए, फिर थोड़ा क्लास को शेयर भी कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग क्लास से जुड़ सकें और इसका फायदा उठा सकें, है ना। तो कल का जो लास्ट आर्टिकल था, आई होप कि हम लोग पूरा कर चुके थे, है ना, बीच में कुछ था नहीं। तो आज कुछ नए आर्टिकल्स हैं जिसको देख लेते हैं, नए आर्टिकल्स को। तो कि ये और जो आर्टिकल्स था ये हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, जैसा हमें लग रहा है, क्योंकि इसके पहले लास्ट आर्टिकल्स हम लोग, जहां तक मालूम है कि ये आर्टिकल्स कर चुके थे, जो कि आपका था मुस्लिम महिलाओं के लिए जो आपके न्यूनतम विवाह योग्य जो एज था, इनके रिगार्डिंग हम आर्टिकल्स हम बात कर चुके हैं। जो अगला आर्टिकल्स है इसके बाद में, अगर आप बोल सकते हैं अगर आप ये आर्टिकल्स नहीं किए होंगे तो, क्योंकि हमें याद नहीं आता रहता, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स में याद, मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं और कहीं ना कहीं स्किप हो जाता है दिमाग से। तो आप बोल सकते हैं सर ये लास्ट आर्टिकल कौन सा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लास्ट, मेरे ख्याल से लग रहा है कि इसको हम करवा चुके हैं। तो इसके बाद जो आपका आर्टिकल्स है, ये आपका उर्वरक के रिगार्डिंग है, यानी कि आपका यूरिया के रिगार्डिंग है। यूरिया आपका कह सकते हैं कि इसके जो सब्सिडी को लेकर है, और सब्सिडी कौन देता है, सरकार ही देती है। तो क्या है पूरी कहानी, क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो इसको सबसे पहले आप क्लास को ज्वाइन करके शेयर कीजिए ताकि शुरुआत से आपको चीजों को मालूम करने के लिए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो क्या है पूरा मामला, मामला समझेंगे पहले, ये समझेंगे क्या है पूरे आर्टिकल्स का एक जो कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि उच्च सरकारी सब्सिडी के कारण, यानी कि हाई सब्सिडी रेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। विवेक, वेरी गुड आफ्टरनून। तो दो उर्वरक, यानी कि एक तो यूरिया हो गया, एक डाई अमोनियम फॉस्फेट हो गया, इसको शॉर्ट में DAP बोलते हैं, का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। ये एक कॉन्टेक्स्ट निकल के आ रहा है कि हम लोग खासकर, देखिए हम लोग नहीं, सरकार जो है ना सब्सिडी में बहुत ज्यादा पैसा लगाती है, खासकर यूरिया हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, और DAP के, इसमें DAP की बात करें, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट की बात करें, एक और एक होता है, ठीक है, करप्शन कंप्लीटेड। अच्छा करप्शन था ना, एक सेकंड देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक करप्शन था। अच्छा करप्शन था ना, चलिए। तो आपका लास्ट आर्टिकल तब ये होगा, BT बैंगन के बारे में होगा, मुझे याद ही नहीं रहता है। चलिए तो कोई नहीं, हेमंत सिंह, जय हिंद। तो ये आपका नेक्स्ट आर्टिकल है ना, कोई बात नहीं। वो स्टार्ट किया था, हमें लगता है वो भी कर लेते पहले, और पीछे से जहां मालूम चल गया, ठीक है चलो यहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो पहले कर लेते हैं, तो फिर मालूम चला कि वो आधा दूर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। ये पहले कंप्लीट करते हैं, है ना, इसके बाद फिर हम लोग जो आर्टिकल्स यहाँ से स्टार्ट करना है वो करेंगे। हमें याद ही नहीं होता है कुछ कुछ चीजें, दिमाग से निकल जाती है ना, तो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो ये आर्टिकल्स ना इम्पोर्टेंट है आपके मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ हम लोग जो एक्ट अधिनियम है उसकी भी बात कर लेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ इसमें पॉइंट, जो कि आप कह सकते हैं कि वो पॉइंट जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो फैक्ट्स जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी हम बात करने वाले हैं इस सेशन में। तो जय सिंह भी जुड़ चुके हैं हमारे क्लास में, जय सिंह, वेरी गुड आफ्टरनून, एंड हर हर महादेव गुरु जी। चलिए सही है। तो ये जो DAP यहाँ पर है, DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट और यूरिया, इसमें सरकार सब्सिडी दे रही है, और हाई सब्सिडी यानी कि उच्च सरकारी सब्सिडी आपको मिल रही है, फार्मर्स को मिल रही है, किसान को मिल रही है, ये एक समस्या का विषय है। अच्छा एक चीज सोचिए यहीं पर, ठीक, ऑन द स्पॉट, ठीक है, कुछ चीजें यहाँ लिखी हुई नहीं है, है ना, इसके रिगार्डिंग कि हाई सब्सिडी देने पे
क्या नुकसान हो सकता है, एक तो फार्मर्स के लिए और एक सरकार के लिए। सरकार के लिए नुकसान ये हो सकता है कि सरकार की जो इकोनॉमी है, जो कि फंड की बात कर रहा है, रेवेन्यू की बात करते हैं, राजस्व की बात करते हैं, राजस्व की एक बोल सकते हैं कि उसमें कमी देखी जा सकती है, क्योंकि सब्सिडी में पैसा जाना एक हाई अमाउंट, कहीं ना कहीं सरकार इसलिए भी पैसा दे रही है कि वोटर्स के लिए, वो अलग फैक्टर है, ठीक है। लेकिन इसके एक साइड इफेक्ट भी है, सब्सिडी में आप पैसा लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सब्सिडी में जो पैसा आप इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो उत्पादन है, जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, ये बढ़ा सके। लेकिन एक चीज पॉइंट बताना चाहते हैं आपको कि सॉइल की हम बात करें, मिट्टी की बात करें, मृदा की बात करें, इसमें टोटल 28 एलिमेंट्स होते हैं, 28 तत्व होते हैं। तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन जो बोल सकते हैं, ये ना समय समय पर ये कम हो जाती है, ज्यादा उसमें क्रॉपिंग्स करना, जो फसल होना, उगाना उसमें, तो एक टाइम के बाद में इसमें जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता जो है, वो कम हो जाती है। अब उसे कम होने के बाद में अब जो किसान है, अब प्रोडक्शन ज्यादा हो नहीं रहा है, तो उस टाइम में वो यूरिया यूज करता है। तो यूरिया में, या फर्टिलाइजर्स की बात करें, या फिर डीएपी की बात करें, एक तो आपका होता है इसमें एमओपी होता है, एमओपी क्या होता है भी बात करेंगे, तो इसको यहाँ पर जो किसान यूज करते हैं। अब किसान जब इसको यूज करते हैं ना, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीन एलिमेंट जो है ना, एक सॉइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो सॉइल होता है ना, सबसे पहला जो एलिमेंट जो होता है, कुछ एलिमेंट जो निकल जाते हैं कि जब फसल बार बार वहां होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं झूम कल्टिवेशन जो होता है, या स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन एक होता है, इनकी एक फील्ड में आप कुछ फसल बोझ दिए, अब बो इसके बाद में फसल की कटाई के बाद में उसको आप छोड़ दिए कुछ टाइम के तक बर्न करके, ठीक है, फिर आप कहीं और फसल आप बोए, उसके बाद फिर सेकेंड टाइम में फिर रिपीट कर रहे हैं, यानी कि ये पीरियोडिकली चलता रहता है। तो वहां फसल भी फिर कुछ टाइम छोड़ दिया, ताकि जो सॉइल है उसमें फर्टिलिटी, उपजापन वो आ सके, जिसे हम लोग शौक कहेंगे, बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं झूम कल्टिवेशन, उत्तर जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, तो ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर क्यों, किसान के पास ऑप्शन नहीं है, इतना फील्ड कहाँ मिलेगा, इतना फील्ड कि हमने यहाँ पर रखा फिर 1 साल छोड़ दिया, 6 महीने भी छोड़ दिए, तो इसके लिए जो फार्मर्स वो यूरिया यूज करते हैं, जिसमें आपके तीन एलिमेंट होते हैं, तीन एलिमेंट आपके सॉइल के लिए, जो झूम के लिए सॉइल के लिए, मृदा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो सॉइल की जो उपजाऊ बने, फर्टिलिटी इसको लाने के लिए। तो ये तीन जो फैक्टर एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपके ये पोटेशियम, ये इसके रेशियो जो है ना, अनुपात, ये फिक्स होते हैं। अगर आप रेशियो में कुछ भी गड़बड़ी करते हैं, रेशियो में कुछ भी छेड़खानी करते हैं, मतलब रेशियो में आप कुछ ऊपर नीचे करते हैं, तो कहीं ना कहीं सॉइल में फर्टिलिटी जो उपजाऊपन है, आप बढ़ने की जगह घटा सकते हैं, एक नुकसान ये। दूसरा नुकसान ये कि अगर किसी भी जो एलिमेंट की अधिकता ज्यादा होगी, यानी कि उसकी अमाउंट ज्यादा होगी, तो इसके साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ेगा, स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, ये भी है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, सरकार ने भी, और खासकर डेटा ये कह रहा है कि 4:1 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 4:2:1, चार कौन सा, तो नाइट्रोजन चार, ठीक है, अगर आप नाइट्रोजन आप 4 kg दिए, एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जो फॉस्फोरस है आपको 2 kg देने पड़ेंगे, और पोटेशियम आपको 1 kg। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि जो कंपनीज होते हैं ना, जो खासकर यूरिया बनाते हैं, वो लोग इसका जो अनुपात है ना, वो गलत सेट करते हैं अपने फायदे के लिए, क्योंकि यहाँ पर तीनों में से ना सबसे सस्ता कौन सा होता है, ये फॉस्फोरस होता है। तो यहाँ पर इसकी जो टू, जहां पर अनुपात 2:2 होना चाहिए, इसको 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, तो 4:1 होता है ऐसे। तो जो ये आपका 2 होना चाहिए, उसको डबल कर देंगे, तो ये नुकसान तो होगा ही, नुकसान जो मिट्टी उसको भी होगा, जो हमारा स्वास्थ्य वो भी आपका इम्पेक्ट करेगा, ये चीजें इशू निकल के आ रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है सरकार की सब्सिडी, सरकार सब्सिडी, ठीक है। अब इसमें ना एक पॉइंट और भी है, सरकार ने इसके लिए कदम तो उठाए हैं, पिछले साल आपने देखा भी हो कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स जो एक प्रोग्राम था, वो भी स्टार्ट हुआ है, इसमें भारत ब्रांड के नाम पे हर एक जो यूरिया है, जो फर्टिलाइजर्स, वो बिकेगा, और कहीं आपने सुना भी होगा। दूसरी बात यहाँ पर ये कि यूरिया जो है ना, जो कि सरकार जो है ना, सरकार इसको नियंत्रण करती है, यूरिया को सरकार नियंत्रण करती है, इसमें सब्सिडी देती है, और अभी इसके जो प्राइस की बात करें, सब्सिडी देने के बाद में ये 5,628 रुपये प्रति टन है, ये यहाँ पर सरकार सब्सिडी देने के बाद में ये प्राइस है। लेकिन जो डीएपी है, जो डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है, और एमओपी है, ये एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास जो है, ये तीन ही तरह के जो यूरिया है, बोल सकते हैं फर्टिलाइजर्स, जो कि मार्केट में बिकते हैं अभी तक, है ना, जब से भारत बैंड जब से आया उसके पहले तक में, तो तीन टाइप के होते हैं यूरिया में, आपका इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड उसी में आता है,
एक आपका डाई अमोनियम फॉस्फेट हो गया, वो एक ही तरह का होता है ठीक है, और एमओपी हो गया वो भी एक ही तरह का होता है। तो ये डीएपी और एमओपी ये ना गैर यूरिया उर्वरक है, यानी कि ये क्या हुआ, ये नॉन यूरिया है, और नॉन यूरिया के साथ में सरकार इस पर कंट्रोल नहीं करती, सरकार इसमें सब्सिडी नहीं देती है। ध्यान रहे प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन ऐसे बनते भी है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा भी गया है, यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, एमओपी हो गया, इसमें सरकार जो है ना इसमें आपको सब्सिडी देती है तीनों के लिए। तो स्टेटमेंट ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसमें सरकार यूरिया के लिए देती है, ना कि डीएपी के लिए, ना एमओपी के लिए। हाँ सरकार कंट्रोल करती जरूर है कि आप यहाँ पर कम कर दीजिए, इससे आपको प्राइस ऊपर नहीं रखना है, ये आपका जो निर्देश है गाइडलाइंस वो देती जरूर है, लेकिन सब्सिडी देती नहीं है, यूरिया के लिए बस देती है ना। वैसे डीएपी का जो प्राइस था ना वो 70,000 समथिंग टन था, ये अभी इसमें कितना प्रति टन, 5,000 कुछ है ना, तो डीएपी का 70,000 था, सरकार ने कहा उसके बाद 60,000 कुछ आसपास किया गया। तो ये जो है ना सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये दोनों को, एमओपी और डीएपी को, ये कंपनीज ही रेगुलेट करती है ना, ये कंपनीज ही इसको रेगुलेट करती है, बाकी यूरिया को सरकार देख लेती है ठीक है। अब यहाँ पर ना जो कॉन्टेक्स्ट हमारा जो था, कॉन्टेक्स्ट जो हमारा था यहाँ पर कि सब्सिडी ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये सब्सिडी बढ़ रहा है ये चीजें फैक्ट है। अब इसके लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे कि यहाँ पर 2000 ये सॉरी पहला हम बात करते हैं नीम कोटेड यूरिया, यूरिया पे खर्च कम हो, और देखिए खर्च कम हो ये तो अलग फैक्टर है ठीक है, खर्च तो बहुत जगह इतने होते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट हमारे स्वास्थ्य पर नहीं होने चाहिए, इसके जो हेल्थ पे इम्पैक्ट है हमारे बॉडी पर नहीं होने चाहिए, इसके लिए सरकार ने नीम कोटेड यूरिया, अब नीम कम यूज करते खासकर यूरिया के फॉर्म में, तो नीम क्योंकि ये साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है ना, और ये कीड़ों को मार देता है, तो ये भी लाया गया। इसके बाद में नई यूरिया नीति के तहत में जो कि 2015 में लाया गया था, इसमें नेचुरल फार्मिंग जो प्राकृतिक खेती होती है और ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है ना, ये इस पे को फोकस किया गया, और पहला स्टेट ही आपको मालूम है सिक्किम बनता है। तो ये जो आपका इस नीति के अकॉर्डिंग हर एक फार्मर्स हर एक किसान अपने जो खेत पे ऑर्गेनिक तरीके से या नेचुरल तरीके से खासकर खेती वो कर सके, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। लेकिन अभी इस टाइम में आपको मालूम है कि ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, इसके पीछे कुछ कारण है। कारण क्या है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग है, सबको शॉर्टकट चाहिए, इवन कि सभी को, इवन कि हमें भी आपको भी है ना, कि सबको शॉर्टकट चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है। चाहे आपके प्रिपरेशन की बात करें, चाहे फार्मर्स की खेती की बात करें, या किसी की ट्रांसपोर्टेशन, कहीं किसी को ट्रेवलिंग करना है उसकी बात करें, कहीं के लिए भी बात करें, ये चीजें जो है ना मतलब शॉर्टकट कहीं के लिए अच्छा नहीं होता है। शॉर्टकट का एक साइड इफेक्ट भी होता है, और ये साइड इफेक्ट वो आपका उतना ही टाइम लेता है जितना आपने टाइम बचाया है। तो चाहे आपका पढ़ाई हो वहाँ शॉर्टकट ना ले, चाहे आपका किसी और फील्ड में हो वहाँ भी शॉर्टकट ना ले, तो ये शॉर्टकट जो है ना, क्योंकि इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमारे बॉडी पे, या फार्मर्स के सॉइल पर, या गवर्नमेंट की सब्सिडी पर, है ना। एक यहाँ पर नेक्स्ट है जो कि यहाँ पर लिखे नहीं है, वन नेशन, ये आगे सर होगा, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, इसमें ना बेसिकली फोकस ये किया गया, आई थिंक एक इमेज और होगा, नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं। भारत ब्रांड के नाम से, भारत ब्रांड के नाम से हर एक जो फर्टिलाइजर से इसको बनाया गया। अब यहाँ पर किसी कंपनी का टैग नहीं होगा, अब अगर आप डीएपी बना रहे हैं यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट बना रहे हैं, या एमओपी बना रहे हैं, या यूरिया बना रहे हैं, तो इसमें भी आपका जो नाम लिखा होगा वो आपका भारत लिखा होगा, भारत ब्रांड, भारत एनपीके, आपने देखा भी होगा, जो लोग जिनके फैमिली से कोई भी फार्मर्स होंगे, अगर आपके यहाँ पर यूरिया आता होगा तो आप ये बोल सकते हैं कि एक आता है भारत एनपीके, भारत एमओपी, इस तरीके से इस फॉर्म में आते हैं, भारत डीएपी इस फॉर्म में, यानी कि एक ही जो ब्रांड हो, ताकि कुछ भी एक ये नहीं हो कि ये कंपनी अच्छी है वो कंपनी अच्छी है, इसकी डिमांड अच्छी है। और ये करने के पीछे की रीजन ये था कि कुछ फार्मर्स ये भी जान मतलब चाहते हैं कि जो भी डिमांड है यूरिया का ये दूसरे स्टेट से मंगवाएंगे तो वहां का अच्छा होता है, यहाँ का अच्छा होता है, हर एक जो यूरिया है जो फर्टिलाइजर एक ही टैग का होगा, तो ये फायदा होगा किसके लिए, तो ये फायदा जो किसान हो उनके लिए भी होगा, ये फायदा सरकार के लिए भी होगा, कि यहाँ पर कोई भी यूरिया को लेकर हाई प्राइस में कुछ चीजें बेचे ना, सबका एक ही ब्रांड हो, भारत ब्रांड है ना, तो ये लाया गया था। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ कुछ पॉइंट हम लोग बात कर चुके हैं। अब एक यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, मुद्दे और प्रभाव, किसके मुद्दे, देखिए एक तो पॉइंट निकल किया था ना कि अगर हम लोग यूरिया यूज कर रहे हैं, ये सरकार सब्सिडी अगर दे रही है, सब्सिडी देना ज्यादा अगर दे रही है ठीक है, तो इसमें क्या क्या इश्यूज हैं, ये आप इसको कमेंट में कर सकते हैं, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं ठीक है।
क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं इन चार पॉइंट में या तीन पॉइंट में, एटलीस्ट तीन पॉइंट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ही कुछ बोलते हैं ठीक है, कि क्या क्या इश्यूज होंगे सरकार अगर सब्सिडी अगर हाई करती है। सरकार के जो राजस्व है पहला पॉइंट, तो आपको पॉइंट बस लिखना है राजस्व, एक ये हो गया यानी कि रेवेन्यू का घाटा होगा। सरकार अगर ये दे रही है तो कहीं ना कहीं ये इसके जो इश्यूज है कंसर्न होंगे वो ये होंगे कि जो जो फार्मर्स है वो डिपेंडेंट हो जाएंगे इनके ऊपर, तो सरकार के ऊपर। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब सरकार इसको बंद जब कर देगी तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा फार्मर्स के ऊपर, है ना। तो ये भी हो गया। इसमें कुछ पॉइंट प्रभाव के ऊपर लिख लेंगे कि इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो ये तीन चार पॉइंट आप टू द पॉइंट के मोमेंट लिख लेंगे, तो आई होप कि ये आसान है, बहुत टफ नहीं है ठीक है। आगे चलते हैं और इसी में जो कि हम जहां से अब तक हम छोड़े थे वहां से बात करते हैं। चलो बीटी बैंगन यानी कि बीटी ब्रिंजल की बात कर रहे हैं। बीटी ब्रिंजल होता क्या है और इसके बायो पायरेसी को लेकर क्या इसका इश्यूज है, क्या केस है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसको समझते पहले फिर हम आते हैं हम लोग यहाँ पर कि क्या इसमें हो सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को बायो पायरेसी पर जनहित याचिका पर सुनवाई जारी रखने के आदेश दिए हैं, और जिसने जिसे उसने 2013 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भेजा था। हुआ क्या था ना कि 2013 में एक पिटीशन फाइल किया गया खासकर बेटी ब्रिंजल को लेकर। बेटी ब्रिंजल क्या होता है ये हम बात करेंगे, लेकिन कहानी सुन लीजिए ये इशू क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्नाटक हाई कोर्ट को ये बोला है कि आप जो बीटी ब्रिंजल का जो केस था जो आपके ऊपर आया था आपके हाई कोर्ट में आया था, आपने इसको ट्रांसफर किसको कर दिया, तो एनजीटी को यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को आपने कर दिया। तो और ये केस कब किया गया ट्रांसफर, 2013 में ही किया गया था, और 13 से लेकर 2022 अब खत्म होने वाला है, लेकिन ऑलमोस्ट 10 साल मान चलिए अभी तक इसके बारे में कोई डिसीजन आया नहीं है। क्या केस था, केस यही था कि जो बीटी ब्रिंजल है ये इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है इसको लेकर। और कहीं ना कहीं ये जो बीटी ब्रिंजल है ये इसमें बायो पायरेसी के केस था। बायो पायरेसी क्या होता है ये हम बात करेंगे इसका, इसको लेकर यहाँ पर जो बायो पायरेसी है इसको लेकर यहाँ पर जो केस फाइल किया गया था कर्नाटक हाई कोर्ट में, कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2013 में इसको ट्रांसफर कर दिया एनजीटी के पास में। अब एनजीटी के पास अभी भी पेंडिंग है, वो कुछ भी एक्शन नहीं लिया क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट के पास में था, है ना। तो ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर ये कहा कि अब ये जो केस आपने जो भेजा था एनजीटी के पास में इसको अपने आप अपने ऊपर वापस लीजिए और इसको आप जितना जल्दी हो सके इसको सॉल्व कीजिए। अब ये एक क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ रहा है कि बायो पायरेसी क्या होता है ना, बायो पायरेसी यहाँ पर क्या होता है इसको समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको हर एक पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बुक लेते हैं ना, एक ओरिजिनल बुक लेते हैं लक्ष्मीकांत की बुक जो कि पॉलिटी के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो लक्ष्मीकांत की बुक को अगर आप पढ़ते हैं, एक दो तरफ बुक आता है, एक तो पायरेसी, एक होता है बुक पायरेटेड यानी कि वो चीजें उसमें थोड़ी सी पेजेस जो होते हैं ना वो डाउन होते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो बोलते हैं कि वो पेज जो है ना वो पायरेटेड है यानी कि थोड़ा डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट वाला वर्ड यूज करते हैं, पेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना। तो ये सब इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। तो हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कि ये जो है ना, या कोई भी कोई मूवी रही है ना तो मूवी बोलते ये बहुत पायरेटेड है, पायरेसी है ना। तो यानी कि डुप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, डुप्लीकेशन प्लस जो क्वालिटी डाउन, तभी तो बोलते पायरेसी, है ना। तो यहाँ पर जो बीटी ब्रिंजल की जो बात कर रहे हैं, बीटी ब्रिंजल है क्या ये भी हम बात करेंगे अभी थोड़ा देर। तो पहले बायो बारे समझ समझ लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ बायो इसलिए यूज किया गया क्योंकि यहाँ पर ये लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यूज किया गया। तो बायो पायरेसी का मतलब ये हुआ कि आप जो प्लांट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, इस फील्ड में जब कोई भी चीजें पायरेसी होती है, पायरेटेड होती है, डुप्लीकेशन होती है विद लो क्वालिटी, तो आप उसको बोलेंगे बायो पायरेसी ठीक है। अब यहाँ बीटी ब्रिंजल है यानी कि बैगन की बात कर रहे हैं कुछ हम लोग यहाँ पर, तो ये क्या होता है ठीक है। बीटी ब्रिंजल मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हाइब्रिड ब्रिंजल, हाइब्रिड क्या हुआ मतलब आपने देखा होगा कि खासकर बहुत सारे ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिसके साइज बहुत बड़े होते हैं। आजकल के टाइम में तो आप देखें कि जो अमरूद होता है ना, अमरूद का साइज बहुत बड़ा, जो बैर होता है ना वो खासकर सेब की तरह बड़ा होता है ना। शदमा खान वेरी गुड आफ्टरनून। तो आपने देखा हो कि जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, जो भी फल सब्जियां हैं, इनके जो साइज होने चाहिए, जो नेचुरल जो साइज होने चाहिए, इससे बड़े बड़े साइज के मिलते हैं आज के टाइम में। इवन क्या आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो कद्दू होते हैं ना, जो कि उसके जो साइज होने चाहिए उससे बड़े साइज के होते हैं,
ये क्या होता है, ये हाइब्रिड होते हैं, बनाते कैसे हैं, जीन्स में चेंज करके। तो बेटी ब्रिंजल में बायो पायरेसी के जो केस यहाँ से निकल के आता है वो केस ये है कि ब्रिंजल के सीड में जो बीज होते हैं ना, उस बीज में के जीन को, जैसे हमारे बॉडी में जीन होती है ठीक है, उस सीड में जीन होता है, इस जीन को यहाँ पर कुछ जीन से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ बायो पायरेसी की जो बात की गई है ना, देखिए इसको यहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए जो परमिशन है वो भी दी नहीं गई है, लेकिन क्योंकि ये बायो पायरेसी है, क्योंकि इसको इलीगल तरीके से की जा रही है। और होता क्या है इसमें कि ब्रिंजल के जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, बाकी जो ब्रिंजल होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो सीड्स होते हैं, अलग अलग जो सीड्स होते हैं, उसके जीन्स को लेकर एक ऐसा कॉमन बीज तैयार करना और वो बीज से बैंगन बनाना, ठीक है, बोल सकते बीटी ब्रिंजल। आपने देखा हो कि बैंगन, एक जो हम लोग देसी जो बैंगन होता है ना ब्रिंजल, ये उसका साइज हरा होता है और हल्का फुल्का जो होता है ब्लू कलर का होता है, हल्का हल्का, ठीक है। तो वो भी जो बैंगन वो सही होता है, देसी होता है, उसमें कांटे भी लगे होते हैं। और इवन की जो लोग खासकर दिल्ली के आसपास में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, यहाँ के जो बैंगन है वो आपको इस साइज के मिल जाएंगे। एक तो आपको बहुत गोल्ड मटोर से मिलता है बैंगन, बड़ा साइज का मिलता है, बिल्कुल ये लगे लगे कि ये पूरा ब्लैक है, तो वो जो बैंगन है ना वो बायो पायरेटेड है। भले आपको मालूम नहीं होगा, आपको आइडिया नहीं होगा, बस वो बैंगन सोच के आप खा लेते होंगे, लेकिन ये आपके बायो पायरेसी है। ये आपके इसमें क्या होता है कि बैंगन के जो साइज है ना उससे बड़े बड़े साइज के होते हैं। क्या नेचुरली इतने बड़े होते हैं? नहीं होते हैं। क्या अमरूद के जो साइज होते हैं क्या सच में इतने बड़े होते हैं? आपने देखा हो कि अनार जो होता है ना, अनार तो उसके भी साइज जो है ना, एक तो मीडियम होता है, मीडियम ही सही होता है, नेचुरल होता है, मीडियम छोटा वाला, और जो सबसे बड़े बड़े होते हैं आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े, मतलब वो जो बड़े साइज के होते हैं फुटबॉल की तरह, ये जो है ना साइज, ये कहीं ना कहीं आपके बायो बोलते हाइब्रिड ये साइज है ना, या फिर बायो हाइब्रिड है। तो ये बीटी फॉर्म में होते हैं। तो क्या ये बीटी फॉर्म में, हाइब्रिड फॉर्म में क्या ये अलाव है? अलाव तो नहीं है, अलाव नहीं है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा बैक में ले चले तो ये कहानी शुरू होती है बीटी कॉटन से। बीटी कॉटन क्या है ये भी देखिए, क्यों की जाती है? सिंपल से एक ही मोटो होता है, जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, उसको बढ़ाने के लिए, जो यील्ड है, प्रोडक्शन यील्ड बोलते हैं, उत्पादन जो होता है उसको बढ़ाने के लिए करते हैं। अब उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप उस बीज के साथ में छिड़खानी कर रहे हैं, जीन के साथ में कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य साथ कर रहे हैं, हेल्थ के साथ में। तो ये चीज को देखते हुए सबसे पहले बीटी कॉटन को रखा गया। बीटी कॉटन क्या होता है? ये कॉटन है, ठीक है, इसको यहाँ पर ये 2002 में, 2002 में इसको परमिशन दिया गया कि आप बीटी कॉटन को बना सकते हैं आप हाइब्रिड फॉर्म में, ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। तो बीटी कॉटन को बनाना स्टार्ट हुआ 2002 में, और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई, क्योंकि ये खाने चीजें नहीं है ना, कोई कॉटन कोई खाता नहीं है, तो इसलिए इसको परमिशन मिल गया। लेकिन इसके बाद में ही, इसके बाद में ही मस्टर्ड के लिए, यानी कि सरसों जो बोलते हैं, मस्टर्ड के लिए, सरसों के लिए यहाँ पर एक छोटा सा केस फिर आता है कि सरसों का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, इसको बढ़ाने के लिए यहाँ परमिशन मांगी गई, लेकिन इसे मना कर दिया गया। इसे GEAC यानी कि जियोग्राफिकल इंजीनियरिंग, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है, GEAC जो परमिशन देता है कि जो कि आप हाइब्रिड बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये देता है, लेकिन इनके बाद भी जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है वहां से भी आपको परमिशन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये दे दिया, दे दिया, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का मना कर दिया तो आप उसको नहीं कर सकते। तो मस्टर्ड को मना कर दिया गया, और बेसिकली एक फार्मा सेक्रेटरी थे जिनका नाम था TSR सुब्रमण्यम, ठीक है, इन्होंने मना कर दिया खासकर मस्टर्ड को। इसके बाद मेरा केस आता है आपका 2010 में ब्रिंजल को लेकर, तो ब्रिंजल या बैंगन को लेकर, तो इसको लेकर यहाँ पर परमिशन मांगी गई कि हाइब्रिड फॉर्म में इसको बनाना है। लेकिन फाइनली इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री है, बट इट फेल्ड एट द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, ये यहां से इसको परमिशन नहीं दी गई। लेकिन बायो पायरेसी मतलब ये हुआ कि बीटी ब्रिंजल को परमिशन दिया नहीं गया, फिर भी ये बनाए जा रहे हैं। फिर भी आप ऐसे बैंगन देखते होंगे, बड़े साइज के, बड़े लंबे चौड़े मोटे हट्टे तगड़े, ठीक है, ये वाले बन रहे हैं। लेकिन जो याचिका करता है, जो पेटिशनर है, उसे मालूम है कि ऐसे बैंगन को कंज्यूम करना ये आपके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है ना, कर्नाटक हाई कोर्ट के, ये बोला कि आप NGT के पास में ये जो केस, बायो पायरेसी जो केस है उसको वापस लीजिए, आपने जो 2013 में ट्रांसफर किया था, और जल्दी से इसको सुनवाई कीजिए। तो ये छोटी सी कहानी इसको लेकर है। अब यहाँ से ना आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट इशू है, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए ये क्या नुकसान हो सकता है, क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है। गुड आफ्टरनून कविता सिंह। सबसे पहली बात ये कि आएंगे ओवरऑल पॉइंट बाहर, ठीक है, पर यहाँ नीचे देखेंगे पर्यावरण प्रभाव, देखिए इन्वायरमेंट के लिए इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं,
क्योंकि कुछ भी चीजें आप हैबिट में बनाते हैं इसके साइड इफेक्ट तो होंगे ही होंगे, ये तो मान के चलिए। इसके बाद में जैव सुरक्षा, आप उसको कहीं ना कहीं आप सॉइल में उसको चीजों को यूज कर रहे हैं है ना, क्योंकि आप जब तक सॉइल में उसको मिक्स नहीं करेंगे तब तक आप वो चीज को उपज नहीं कर सकते हैं। तो जैव सुरक्षा के लिए, सॉइल के लिए, हमारे न्यूट्रिशंस के लिए, पोषण के लिए, इसके लिए ये इम्पैक्ट करता है। देखिए ये जो है ना माहिको एक कंपनी है, माहिको कंपनी जो है ना ये सीड के जो जीन होते हैं ना, बीज के जीन होते हैं, तो उसके साथ ही छेड़खानी करते हैं। तो बीटी ब्रिंजल को लेकर यही गए थे, ठीक है, यही महोदय सर बोल सकते हैं कि श्रीमान गए थे जीएसी के पास में और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास में, लेकिन इनको मना कर दिया गया। और ये अभी भी सीट को लेकर काम करते हैं और इन्हीं के अगेंस्ट में बेडिसन फैल दिया गया था, क्योंकि ये भी चीज निकल के आ रही है कि यही एक सीट कंपनी है जो जो महाराष्ट्र बेस्ड है मुंबई में, और यही काम कर रही है जीन्स को आगे पीछे करने में, यहाँ वो करने में। जो भी आप वो साइज का जो फ्रूट्स हो, चाहे आपका कोई भी वेजिटेबल्स हो, कंज्यूम ना करें, जनरली बता रही है, थोड़ा सा हटके बता रहे हैं, जो आपको लगे कि नेचुरली ये आपका इतना साइज बड़ा नहीं हो सकता है, वो चीजें कंज्यूम ना करें, क्योंकि हर वो चीजें हाइब्रिड होती है, मतलब वो जीन में चेंज कर बनाया जाता है। कुछ चीजें परमिशन लेकर बनाते हैं, कुछ चीजें बिना परमिशन के बनाते हैं। अब सरकार परमिशन नहीं दी, अब बीज को लेकर कौन सा बीज प्राइवेट कंपनी उसमें कुछ साइंटिफिक तरीके से जीन को बदल के चेंज करके मार्केट में लाया जा रहा है, ये इलीगल तरीके से भी होता है। तो जिसके साइज बड़े आप समझ लेना कि वो चीजें हाइब्रिड होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका माइको का, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जैव संसाधन यानी कि बीज और बायो रिसोर्स का यूज करते हैं, ये तो हम कुछ कुछ हम बोल चुके हैं। तो हाँ एक पॉइंट और, इनएफिशिएंट रेगुलेटरी सिस्टम, ये क्या होता है, ठीक है, ये इसलिए हो पा रहा है ना क्योंकि ऐसे कंपनीज को, ऐसे जो बीज बना रहे हैं खासकर हाइब्रिड फॉर्म में, इसको इसके लिए कोई नियामक प्रणाली नहीं है, यानी कि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई बॉडी नहीं है, कोई सरकार इसमें इसके लिए कुछ अधिनियम ना कुछ एक्ट बना कर रखी है, इसलिए भी ये ज्यादा चीजें सामने आती है। देखिए खाने पीने की चीजों को लेकर बीटी फॉर्म में यानी कि हाइब्रिड फॉर्म में अभी तक सक्सेसफुली इसको देखो बंद तो बनाया जा चुका है, लेकिन इसको एक बड़ी अमाउंट में, एक बोल सकते हैं कि हाई यील्ड के लिए इसको मार्केट में रखा नहीं गया, इलीगल तरीके से बीज को तो बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार से परमिशन लेके एक बड़ी अमाउंट में इसको जो बोल सकते हैं प्रोडक्शन के लिए ये नहीं लाया गया। तो ये सरकार इसके लिए कोई कानून लेके आए और इसके लिए बोला गया कि यहाँ पर कोई एक अक्षम नियामक प्रणाली नहीं है और ये होना चाहिए था खासकर इसके लिए। तो ये पूरी इस आर्टिकल इसके रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल चलते हैं, अगला आर्टिकल्स बात करते हैं, ये हम बात कर लिए भैया, ये आर्टिकल्स हमें लग रहा है कि ये आर्टिकल बात कर लिए जैसा हमें लग रहा है, तो अगर एक बार कंफर्म कर दें तो हमें सही लगेगा, एक बार कंफर्म कर देंगे तो हमें सही रहेगा। चलिए तो आप बताइए, तब तक हम इसको स्टार्ट करते हैं, अगर आप ये हो चुका है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ये है कि जो मुस्लिम वुमेन्स है, जो मुस्लिम महिला है, उनकी जो शादी की उम्र है, इनकी रिगार्डिंग एक आर्टिकल्स आया था। आर्टिकल्स क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, खबरों में क्यों है, ये पहले सुन लीजिए, नहीं बन ठीक है। हाल ही में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को अन्य धर्मों के व्यक्तियों के बराबर करने के लिए दायर याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है। देखिए हुआ क्या है कि वुमेन राइट्स, जो वुमेन आपके कमीशन जो बोल सकते हैं, राष्ट्रीय महिला जो आयोग है, इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि मुस्लिम जो वुमेन्स है इनकी जो शादी की उम्र है कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। अब ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, ये लोग देख लेते हैं, अब हम लोग यूपीएससी की हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, प्लस आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम पढ़ा भी रहे हैं, इतने सारे कंटेंट नॉलेज साथ में, लेकिन हमने कभी यहाँ फोकस नहीं किया कि मुस्लिम वुमेन्स के लिए जो शादी की उम्र है वो हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि ये हम मतलब जो 18 हम लोग मान के चलते हैं 18 साल की उम्र वही है, लेकिन जो हमारी बात करें संविधान में या कोई इस अधिनियम में कहीं लिखा हुआ नहीं है, या कोई पर्सनल लॉज की बात करें, मुस्लिम लॉज पर्सनल लॉज वहां पे लिखा हुआ नहीं है। तो क्या इसका कोई मिनिमम कोई एज नहीं है, न्यूनतम कोई इसका आयु नहीं है? है तो वो डिसाइड किस होता है, वो लिखा हुआ नहीं कितना ये मिनिमम है, लेकिन एक वर्ड लिखा हुआ है। क्या एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, युवा अवस्था। अब ये जो वर्ड है ना ये बड़ा वेक सा वर्ड है, मतलब ये वर्ड को देख के आप क्या सोचेंगे कि युवा अवस्था तो हम लोग ये मान चलते कि 13-14 में आ जाता है, इवन कि कुछ मतलब ऐसे भी एग्जाम्पल्स है कि 13-14 में आपको लगेगा ना कि ये कोई जो गर्ल है 13-14 एज की है, तो क्या हम उसको ही मान लें?
तो अंडर 18 में बहुत सारी ऐसी जो गर्ल्स हैं मुस्लिम वुमेन्स जिनकी शादी होती भी है, और ये एक चैलेंज बन रहा है। मतलब किसी रिलीजन्स पे इंटरफेरेंस की बात नहीं की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है कि एक महिला एक वुमेन्स के लिए जो उनके राइट्स हैं उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा कि भैया इसका बताओ क्या चल रहा है, आपके पास में हिंदू मैरिज एक्ट है, आपके पास में स्पेशल मैरिज एक्ट भी है, लेकिन इनके लिए क्या है, इनके लिए कुछ है? आपने ट्रिपल तलाक तो ले आया, ठीक है, तलाक तलाक तो ये लाओ कि इनकी जो शादी की जो उम्र है जो एज है ये पहले डिसाइड कर लो। तो अभी ये बोला गया, सरकार ने कुछ अभी तक रिप्लाई किया नहीं है, ये हम जब होगी रिप्लाई तो हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो समझा जो आपको समझना चाहिए। शुरुआत की हम बात करते हैं, बैकग्राउंड चलते हैं। अगर आपको मालूम होना चाहिए कि 1929 की हम बात कर रहे हैं, 1929 की बात कर रहे हैं, इस टाइम में शारदा एक एक्ट था, शारदा अधिनियम था जो कि लाया गया था। और ये अधिनियम का ही एक दूसरा नाम कौन सा है, तो इसी बोलते हैं बाल विवाह निरोधक अधिनियम। आपने एक चीज नोटिस किया कि ये जो टाइम है ना, ये टाइम कब की टाइम है, देखिए तो 1929 का, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको लाया था, लाहौर सेशन, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, वहां नहीं जा रहे। तो 1929 में ये लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, और इसमें बेसिकली डिसाइड किया गया कि जो न्यूनतम जो एज है वो क्या होना चाहिए। फिर ये अल्टीमेटली 1978 आता है, और 1978 आते आते फिर इसमें थोड़ा बदलाव होता है, और यहाँ पर डिसाइड होता है कि जो एक मिनिमम और मैक्सिमम जो एज है 18 जो बोल सकते हैं फीमेल के लिए, और मेल के लिए 21, यहीं से चलता आ रहा है। 1978 का यही वो एक्ट है, शारदा एक्ट ही बोलिए, ठीक है, दोनों लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक एक्ट लिखेंगे एग्जाम में काफी है, वैसे चलता है, ठीक है। इसके बाद में बाल विवाह को रोकने के लिए भी और भी बहुत सारे अधिनियम एक्ट बनाए गए, जैसे कि बाल विवाह निषेध अधिनियम PCMA 2006, खासकर चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए इसे बनाया गया था। लेकिन आप एक पर्टिकुलर रिलीजन्स के लिए क्या ये एप्लीकेबल था, ये सबके लिए था, ऐसा नहीं कि एक रिलीजन्स के लिए था। बाल विवाह है इसका मतलब ये नहीं कि जो हिंदू है मुस्लिम है जो क्रिश्चियन जो जैन है जो बौद्ध है सबके अलग अलग, सबके लिए एक ही था। लेकिन फिर भी आपको मालूम है कि जो भी कानून बनते हैं अधिनियम बनते हैं वो जो भी इसमें रूल्स रेगुलेशन होते हैं प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कुछ रिलीजन्स के अपने बैरियर होते हैं कि ये जो नियम है हमारे रिलीजन्स के खिलाफ में है, तो इस तरीके से इम्प्लीमेंट सब में नहीं हो पाता है। तो इसको लेकर जो राष्ट्रीय महिला आयोग है एक क्वेश्चन मार्क किया, और क्वेश्चन मार्क करते हुए सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, उन्हें मालूम था, वो बड़े चालाक निकले, ऐसे मालूम सरकार से नहीं पूछेंगे, सरकार से पूछेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार में बात में घुमा कर रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदुओं के लिए देखिए जो 1821 का जो फॉर्मूला है ना, 1821 का जो फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि इसी में लिखा हुआ है, ठीक है, शारदा एक्ट में, ये आपका आगे भी बहुत सारे जो एक्ट है अधिनियम वहां भी लिखे हुए, जैसे कि आपका हो गया हिंदू विवाह अधिनियम, इसमें जो हिंदू धर्म है उनके जो शादी और जो डाइवोर्स इसके रिगार्डिंग जो प्रावधान है जो प्रोविजन है यहाँ पर चीजें मेंशन है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 1821 का जो फॉर्मूला। इसके बाद में विशेष विवाह अधिनियम जो कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को छोड़ के बात करते हैं, सिख हो गया क्रिश्चियन हो गया, इनके शादी इनकी मैरिज इनके डाइवोर्स का डील यहाँ पर होती है, ठीक है, ये हिंदू के लिए, ये बाकी जो धर्म के लिए, लेकिन मुस्लिम्स को छोड़ के बात कर रहे हैं दोनों को, तो इस्लाम को छोड़ के यहाँ बात की जा रही है। तो इस्लाम में एक ही क्राइटेरिया है क्या, कि कोई भी गर्ल युवावस्था को अगर अटेंड कर लेता है तो उसकी शादी मानी जाती है कि वहां उसकी हो जाती है, कोई मिनिमम एज नहीं है, अगर वो 17 में हो रहा है 16 में हो रहा है, और आज जिस तरीके से लाइफ स्टाइल है जीवन शैली है तो उसके अकॉर्डिंग हम बोले, इस तरह से हम भी देखते हैं आज के टाइम में, मतलब जो भी खान पान से लेकर लाइफ स्टाइल से लेकर, मतलब युवावस्था एज से पहले निकल मतलब देखने को मिलता है हमें, मतलब 18 से पहले, तो इसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो भी एक मिनिमम एज है वो हमें डिसाइड नहीं कर पाते, खासकर इसके लिए इस्लाम धर्म के लिए। तो ये 18 जो क्राइटेरिया है खासकर यहाँ के लिए फॉलो नहीं होता है इस्लाम के लिए। तो उन्होंने ये बोला कि मुस्लिम वुमेन्स के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है साफ साफ, एक वर्ड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक होता है पॉवर्टी, ठीक है, एक होता है पॉवर्टी POVERT है, ठीक है, आई नीडिंग यूपीएससी क्लास, अब्दुल कलाम आप यूपीएससी क्लास के लिए IAS PCS बाय एग्जामपुर एक चैनल है जो कि एग्जामपुर का ही है, ठीक है, उसमें सुबह मॉर्निंग को आते हैं 6 बजे और शाम को 5 बजे, वहां भी आप आ सकते हैं, लिख लीजिए IAS PCS बाय एग्जामपुर, सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये रहा क्लास, और टोटली डेडिकेटेड है आपका UPSC के एग्जाम्स के लिए, ठीक है, चलिए। तो ये हो गया,
अब यहाँ पर जो पॉवर्टी है, या पॉवर्टी नहीं बोलेंगे, पॉवर्टी गरीबी होता है, पॉवर्टी और पॉवर्टी का मतलब हो गया ये अवस्था, ये कंडीशन है, ठीक है। और प्रीलिम्स में से स्टेटमेंट बनते हैं खासकर, कि समथिंग कुछ स्टेटमेंट दे दिया गया, उसमें कुछ स्टेटमेंट एरर डाल दिए गए, तो आपको उसमें सही करना है, गलत करना है। ऑप्शन आपके होंगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2, ओनली 1 2 3, इस तरह ऑप्शन बनते हैं। तो ये हो गया आपका इसके रिगार्डिंग। अब कुछ पॉइंट और तो इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें इतना ही पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट हम और बताना चाहते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी, इसमें ये बोला गया, आई थिंक कि आर्टिकल्स के पहले भी हम कुछ कुछ पॉइंट बात कर चुके हैं, उसमें ये बोला गया कि जो मिनिमम जो एज है, फीमेल की हम बात कर रहे हैं, फीमेल और मेल दोनों की मिनिमम जो एज है फीमेल की, वो 21 होनी चाहिए। ये अभी बात की गई है, रिकमेंडेशन दी गई है कि 21 होना चाहिए, है ना, और मेल के लिए 25 होना चाहिए। तो ये इसके अलग से फायदे भी है, और हमने ये भी आपसे डिस्कस किया हुआ है कि पहले कि जो चाइल्ड मैरिज होता है, ये इसके पीछे एक रीजन गरीबी भी है, पॉवर्टी भी है, और पॉवर्टी है इसके चाइल्ड मैरिज हो रहा है, ये एक साइकिल चलता है ना। तो इसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया है, और इस रिकमेंडेशन के दोनों साइड से आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप खुश हो गए ये तो अच्छी बात है, या बहुत टेंशन हो गया कि यार ये अच्छी बात नहीं है, दोनों से, क्योंकि आप एक अधिकारी बनने के दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके पास में दोनों साइड के पक्ष, दोनों पक्ष के जो पॉइंट होने चाहिए, ये बुरा भी है, हर एक पॉइंट को आप नेगेटिव भी बोल देंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे, और उसी पॉइंट को पॉजिटिव साइड में बोलेंगे, और जो ये कर लेता है ना, सोचिए उसका बड़ा बैलेंस माइंड है, ठीक है, मतलब वो सोचिए कि वो लाइक है UPSC या अधिकारी बनने की वो एबल है, ये चीज है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये आर्टिकल हम कर चुके हैं, DAP MOP पूरा हम बात कर चुके हैं। अब अगला जो आर्टिकल है ये आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि नमामि गंगे प्रोग्राम। देखिए क्या होता है ना, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं बैकग्राउंड से, बैकग्राउंड समझते हैं और बैकग्राउंड में बात करते हैं कुछ पॉइंट, उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट आएंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए नमामि गंगे जो प्रोग्राम है ना, ये बेसिकली जो है ना जून 2014 में आप बोल सकते हैं जब ये स्टार्ट किया गया था, तो उसी टाइम में एक आप बोल सकते हैं कि 2019, ठीक है, इसमें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत अंडर में ही नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये स्टार्ट किया गया था। और आपको थोड़ा बता दें कुछ इन्फॉर्मेशन कि 2019 ही वो टाइम था जिस टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री को बनाया गया था, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में दो मिनिस्ट्री आते हैं, कौन कौन सी मिनिस्ट्री, तो एक आपका हो गया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन, एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, दो मिनिस्ट्री आते हैं, ठीक है। अब इसी क्लीन गंगा मिशन के लिए ना, यहाँ पर जो इंटरनेशनल जो संगठन होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, तो वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए एज ए ग्रांट, ग्रांट हम बोल रहे हैं, नॉट एज ए लोन, ठीक है, कर्ज के रूप में नहीं, ये फ्री बोल सकते हैं, ग्रांट के फॉर्म में 400 मिलियन जो है ना डॉलर खासकर इंडिया को दिया गया था, फ्री फोकट का बोल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है कि अभी जो खर्च जो इसमें बात की गई है, ठीक है, अब यहाँ समझिए इसमें क्या हुआ है। हाल ही फिलहाल में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत में एक यहाँ पर ETF यानी कि एम्पावर्ड टास्क फोर्स, या ये बोलिए अधिकार प्राप्त कार्य बल ETF की 10वीं मीटिंग हुई है, 10th मीटिंग अभी कंडक्ट हुई है। अब इस मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो आपके काम की चीजें वो बोल दे रहे हैं, जो काम चीजें वो नहीं बोलेंगे। इसमें काम चीज आपके लिए है कि इस मीटिंग में ये बोला गया कि नेशनल मिशन फॉर गंगा जो क्लीन गंगा है, NMCG, उसका एक जो मेन मोटो था जब स्टार्ट किया गया था, सैनिटेशन, सफाई, गंगा की सफाई, और गंगा की सफाई जो है ना ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हो गई है। कैसे मालूम, अभी एक आर्टिकल हम करवाए थे प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लेकर, डॉल्फिन का गंगा में, गंगा रिवर में वापस आना, ये इंडिकेट करता है कि पानी साफ हो चुकी है, पानी की जो क्वालिटी, गंगा रिवर क्वालिटी, ये अच्छी हो गई है। और उसी आर्टिकल में ये बोले थे कि एक टाइम वो भी था कि जब डॉल्फिन भाग गए थे गंगा रिवर से, डॉल्फिन का गंगा रिवर वापस आना ये इंडिकेट कर रहा है कि पानी जब साफ होता है तभी ये डॉल्फिन आते हैं, और पानी जब गंदा होता है तब ये भाग भी जाते हैं, तो अब ये वापस आ रहे हैं, तो मतलब पानी साफ हो रहा है। तो इस बैठक में अब ये फोकस किया गया कि सैनिटेशन के वो फोकस तो कर ही रहे, साथ ही साथ हम लोग फोकस करेंगे अर्थ गंगा पे। क्या हुआ अर्थ गंगा, क्या होता है, तो अर्थ गंगा पे फोकस करेंगे यहाँ पर, अभी आएंगे उसमें, एक बार बात करूँ। अर्थ गंगा मतलब ये हुआ कि इसके तहत में जो 75 जो आपकी सिटीज है, शहर है,
जो कि गंगा रिवर के आसपास में बसे हुए, क्योंकि अब मालूम है उत्तराखंड से निकलते हुए यूपी बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल फिर क्रॉस करती है, थोड़ा झारखंड को भी टच करती है। तो ये जो रिवर है इसके आसपास में 75 जो सिटीज हैं, तो उस सिटीज को इस तरीके से डेवलप करना, और उसके आसपास से आपने देखा कि मेले जो लगते हैं रिवर के साइड में, तो मेला लगना, मेले से क्या होता है कि इकोनॉमी अच्छी होती है, लोकल्स को कुछ रोजगार मिल जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट यहाँ फोकस करना, तो ये चीजें यहाँ पर की जाएगी। जो 75 सर्वम प्रदर्शनी और मेले लगाए जाएंगे ताकि अर्थ, अर्थ मतलब क्या हुआ इकोनॉमी है ना, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, तो अर्थ गंगा फोकस किया जाएगा। ये बहुत अच्छा एक कीवर्ड है, आप मेंस में जब लिखते हैं तो ये वर्ड लिखा करें, और इसको आप जबरदस्ती भी लिख सकते हैं, कहाँ पर इकोनॉमी के क्वेश्चंस में आप लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में इसको लिख सकते हैं, आप जियोग्राफी वाले पार्ट में भी कुछ हद तक क्वेश्चंस अगर डिपेंड करता है लिख सकते हैं। बस इतना ही कि आपको कनेक्टिविटी करनी आनी चाहिए, इंटरकनेक्शन, तो इसको लिख सकते हैं। अच्छा एक पॉइंट है पर्यटन के लिए भी, अब यहाँ पर लोग आएंगे गंगा रिवर को देखने के लिए आएंगे, ठीक है, गंगा रिवर साफ हो चुकी है, पहले ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तक अभी ट्रेन की जर्नी हुई नहीं, तो हम देख लेते हैं गंगा रिवर कितनी साफ है, तो अभी देखे नहीं है, प्रैक्टिकली देखे नहीं है, लेकिन हाँ अब मतलब यहाँ पर जिस तरीके से करंट अफेयर्स में क्वेश्चन चीजें आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग साफ बोला जा रहा है, डॉल्फिन आ रहे हैं, ठीक है। सबसे एक अच्छा सिंबल क्या है कि जो नेचुरल जो बर्ड्स होते हैं ना, जो डॉल्फिन, वो आ रहे हैं, मतलब वो संकेत दे रहा है कि साफ तो हुआ है, ठीक है, लेकिन पूरा रिवर शुरुआत से लेकर अंत तक हम बोले साफ हुआ है ये तो नहीं मान सकते, कि हाँ कहीं कहीं पर साफ सफाई अभियान चला है, और कहीं कहीं SBM स्वच्छ भारत अभियान 2.0 के तहत में भी गंगा रिवर की सफाई में फोकस किया गया था। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है जो कि हम बात कर ही रहे थे, ये भी कहीं कहीं गंगा रिवर के लिए है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, क्योंकि डॉल्फिन आना गंगा रिवर की सफाई उतना ही इंश्योर करना। देखिए इस पे जो 10वीं जो बैठक हुई ना, उसमें एक बात और फोकस किया गया, किस बात पर, कि जैविक खेती प्राकृतिक खेती कॉरिडोर, ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर में क्या होगा, देखिए जो रिवर गंगा फ्लो करती है ना, तो आसपास के जो फील्ड होते हैं, खेत होते हैं ना, तो वहां पर जो खेती होती है, तो वो खेती वहां पर यूरिया DAP MOP इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज ना हो, वहां पर जो भी यूज हो फर्टिलाइजर के फॉर्म में, या आपका जैविक खेती हो यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको बोलते हैं, या प्राकृतिक फार्मिंग जिसको बोलते हैं, नेचुरल जो आपके फार्मिंग होती है, यही यूज हो, ताकि जो रिवर्स है, रिवर्स के जो वाटर है वो कंटिमिनेट ना हो, उसमें जो भी केमिकल्स जो चीजें होती है वो वहां पर ट्रांसफर ना हो जाए, इसके रिगार्डिंग ये चीजें बात की गई है। इसके बाद में देखिए अगर हम बोलते हैं ना कि गंगा रिवर के लिए इतने सारे स्टेप्स लिए गए, आपका नेशनल मिशन फॉर गंगा, क्लीन गंगा हो गया, नमामि गंगे प्रोग्राम हो गया, तो इन सबका मोटो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कुछ तो उद्देश्य होगा ना, ये क्या होता है, तो एक तो होगी रेजुविनेशन, कायाकल्प बोल सकते हैं, संरक्षण और प्रबंधन, ये तीन मोटो है। और क्योंकि आपको एग्जाम जब मेंस लिखते हैं ना, तो आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना होता, पॉइंट वाइज में लिखना पड़ता है, चाहे आप प्री सॉरी मेंस PCS के लिखे, चाहे UPSC के लिखे, है ना, जूट UPSC वेरी गुड इवनिंग, लेकिन आप बहुत क्लास में लेट सब आए हैं, तो कोई नहीं, आप तो मैनेज करेंगे। इसके बाद में नमामि गंगे जो कार्यक्रम है, जो कि अभी हमने देखा, तो इसके अब वर्जन 2 यानी कि फेज 2 अब ये आने स्टार्ट हो चुका है, और ये बेसिकली स्टार्ट 2021-26 इस टाइम के बिटवीन में फेज 2 का रखा गया है, और इस फेज 2 में सेम फोकस किया गया है, किस चीज को लेकर, तो अर्थ गंगा को लेकर, अर्थ मतलब हो गया कि इकोनॉमी के ऊपर फोकस की जाएगी, हमारे जो आसपास के जो रिवर के जो लोकेशन है वहां पर, ये चीज हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी लेट होता है, ठीक है, तो ये हो गया इस आर्टिकल के बारे में। अब क्योंकि यहाँ पर बार बार गंगा रिवर यहाँ पर आ रही है ना, तो गंगा रिवर के आसपास में किस तरीके से यहाँ पर अर्थ गंगा को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे यहाँ पर 75 जो सिटीज है यहाँ पर इनकी जो जो दशा है, दिशा है, चेंज करेंगे, ये भी हमें थोड़ा देखना चाहिए, और इसके लिए गंगा रिवर इम्पोर्टेंट होता है। तो ये गंगा रिवर का छोटा सा एक स्ट्रक्चर है, और इससे आपकी जो 1 डे एग्जाम की या फिर प्रीलिम्स की जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन बनते हैं ये बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये पहले हम एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट में, फिर 1 मिनट में, और फिर अगले मिनट में एक क्वेश्चन आपसे हम देते हैं। देखिए गंगा रिवर की हम बात करें, तो आपको मालूम है कि गंगोत्री, ठीक है, यहाँ से भागीरथी रिवर आपकी ओरिजिन होती है, ये फ्लो होती है आगे नीचे साइड में, और इसी के पहले तक में एक अलकनंदा रिवर होती है जो कि बद्रीनाथ से फ्लो करती है। ये जब भागीरथी रिवर, अलकनंदा रिवर जब मिलती है देवप्रयाग में, इसके पहले में बहुत सारे इसके इनकी ट्रिब्यूटरीज होते हैं, तो वो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इसको समझते हैं। साक्षी चौधरी वेरी गुड इवनिंग,
तो यहां पर ना जब ये अलकनंदा रिवर जब फ्लो करती है तो एक धौली गंगा जो कि विष्णु प्रयाग मिलती है, ठीक है, नंद प्रयाग में एक रिवर नंदाकिनी मिलती है, ठीक है, पिंडार गंगा जो कि कर्ण प्रयाग मिलती है, और एक मंदाकिनी इधर आपके फ्लो होती है आपके ये वेस्ट साइड में, वेस्ट आपके यहाँ मिलती है, तो वो रुद्र प्रयाग में, ठीक है। तो ये पंच प्रयाग इसको बोलते हैं शॉर्ट में। एक सवाल ये निकल के आता है कि यहाँ से यमुनोत्री से यमुना रिवर ही फ्लो कर रही है ना। ये सब बिल्कुल बेसिक पॉइंट आई होप की जियोग्राफी के जो फैकल्टी होंगे यहाँ पर तो वो आपको कहेंगे ये सब चीज पढ़ाते होंगे, है ना, लेकिन यहाँ हम टाइम लेंगे नहीं क्योंकि हम बिल्कुल मेंस पे फोकस करते हैं, है ना। तो मेंस के लिए ये सब चीजें ना अभी ये चीज को हम 1 घंटा खींच सकते हैं, आपको मजा भी आएगा, वाह अच्छा जी आपको मजा आ रहा है, आसान चीज होती है, लेकिन यहाँ ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि ये जो यमुना रिवर है और ये जो आपका गंगा रिवर, ठीक है, ये कहाँ पर मीट करती है, कहाँ मिलती है, ये पॉइंट कौन सा है, मीटिंग पॉइंट कौन सा है, उसको क्या बोलते हैं, आप कमेंट कमेंट कर सकते हैं अभी या फिर बाद में भी कर सकते हैं, फिलहाल तो हम आगे चलते हैं। टाइम है वैसे, हाँ एक टाइम, एक छोटा सा टाइम है, हो जाएगा 1 आर्टिकल्स, ठीक है। अगला जो आर्टिकल्स है ना, आई होप कि ये आपका ज्योग्राफी का ही पार्ट है और आप पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं, ये आर्टिकल्स आपको समझा देंगे, क्या है आर्टिकल्स समझते हैं। देखिए ये पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, यानी कि आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं, क्या होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये समझेंगे, लेकिन पहले कॉन्टेक्स्ट समझिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाल ही में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कम होने के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कम होने के कारण दिसंबर 2022 इसी मंथ की बात कर रहे हैं, दिल्ली में दिन का तापमान सामान्य से अधिक था। कितना अधिक था, चलिए इसको देख लेते कितना अधिक था। तो ये ना कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ है, तो ये आपका हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर इन दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, तो दिसंबर में जो दिन की हम बात कर रहे हैं, डे टाइम की बात कर रहे हैं, तो डे टाइम में जो टेम्परेचर था वो कुछ इस तरीके से था कि सबसे पहले यहाँ पर दिसंबर 2022 देखिए, यहाँ पर इस डेट की हम बात कर रहे हैं इस साल की, ठीक है, 28.4 डिग्री सेल्सियस, ये डे टाइम की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल डे टाइम की। तो ये डे टाइम में 28.4 है, यहाँ पर आप लास्ट ईयर देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल कम था, कितना था, 2021 में आपका था 26.8 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद आप देखें 29 था, तो इसके बाद फिर कम था फिर अधिक, तो आप कहीं ना कहीं आप यहाँ से एक एक ट्रेंड आप लगा चुके होंगे कि ये जिग जैग फॉर्म में हो रहा है, एक वेव के फॉर्म में हो रहा है, कम ज्यादा कम ज्यादा। तो 2023 में फिर क्या होगा, आई होप कि आप अनुमान लगा चुके होंगे, 2023 में ये कहीं ना कहीं और कम होगा, तो ये नहीं बोला गया यहाँ पर, यहाँ पर तो यहाँ अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया कि 2022 में ये यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा था, ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट ईयर कम था, है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है ना ये क्या होता है, सुन लीजिए, एक इमेज मेरे पास और है वहां समझाते हैं। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस मैप में, ये हमारा प्यारा भारत, इंडिया नहीं बोल सकते, इंडिया बोल सकते, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये हो गया कैस्पियन सी, यहाँ पर आपका एक मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य जो सागर बोलते हैं, तो इस मेडिटेरेनियन सी से यहाँ से एक विंड, एक बोल सकते हैं कि विंड यानी कि तूफान भी होता है ना, विंड फ्लो करती है, और ये विंड फ्लो होते हुए पश्चिम से आपका पूरब की तरफ बहती है यानी कि इंडिया साइड में, तो यहाँ से वेस्ट से ईस्ट साइड में, और ये क्रॉस करते हुए ये आपका कैस्पियन सी होते हुए ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये होते हुए इंडिया एंटर करती है, और इंडिया एंटर करने के बाद में अपने साथ में कुछ मॉइस्चर लेके आती है यानी कि वाटर कंटेंट बोल सकते हैं, और ये वाटर कंटेंट इंडिया में एंटर होने के बाद में यहाँ पर बारिश करवाती है। ये टाइम कौन सी बात करें तो ये टाइम यही दिसंबर का टाइम है, दिसंबर से आपका फरवरी, यही वो 3 मंथ का टाइम होता है जिस टाइम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी कि वेस्टर्न से आ रही है, इसको कभी कभी वेस्टर्लीज भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये वहां से फ्लो कर रही है और इंडिया आ रही है और यहाँ बारिश करवा रही है, इसे कभी कभी हम लोग पता क्या बोलते हैं, इसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ये आपका प्री मानसून बारिश है। प्री मानसून बारिश मतलब क्या हुआ कि मानसून का टाइम कब होता है, तो मानसून का टाइम होता है आपका ये जून का टाइम होता है, जून का पहला वीक जिस टाइम में इंडिया से एंटर करती है, ठीक है, इंडिया से एंटर करती है ना, तो ये उस टाइम से पहले की हम बात कर रहे हैं, दिसंबर की बात कर रहे हैं, जनवरी की बात कर रहे हैं, फरवरी की बात कर रहे हैं, इवन की मार्च तक में भी ये चीजें होती है, तो ये बारिश होती है कहाँ पर, जो नॉर्थ इलाका है, याद रखें ये नॉर्थ का जो इलाका है ना, यहाँ पर देखिए जो नॉर्थ का पार्ट है यानी कि ये आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली तक हो गया, दिल्ली में ठंडे बारिश भी होती है, जो लोग दिल्ली में के आसपास होंगे उनको मालूम होना चाहिए, ठंडे बारिश भी होती है और गजब का मौसम होता है, बड़ा बुरा मौसम होता है उस टाइम। इसके बाद में कुछ पॉइंट यहाँ पर और भी है कि
यही जो विंड है, ये जो धारा है ना, बोल सकते हैं, जो मेडिटेरेनियन सी से आती है यहाँ इंडिया में, तो जब ये थोड़ी सी हाइट में आती है, जब ये थोड़ी सी हाइट यानी ऊंचाई में आती है, अर्थ सर्फेस से थोड़ी ऊंचाई में, इसे कहते हैं क्या, पश्चिमी जेट धारा है। जब ये नीचे से आ रही है, नीचे से, तो इसे कहेंगे आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ। लेकिन जब ये थोड़ी ऊपर से आ रही है, तो इसे कहेंगे पश्चिमी जेट धारा है। कितने ऊपर तक, ये 14 किलोमीटर इसे नॉर्मल होता है एवरेज, ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज 40 किलोमीटर, ठीक है, तो इसे ये कहते हैं। अब ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये कहाँ से आती है, ये कौन से, आप बोल सकते हैं कि ये तूफान है, तो ये आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्या होता है, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है। ये प्रिलिम्स के लिए फैक्ट हो गया, तो क्योंकि एक आपका होता है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल होता है जो कि 23.5 डिग्री जो आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं, वहां से नॉर्थ साउथ मिला के इसके जस्ट ऊपर से आते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, है ना, तो वहां से फ्लो करती है। और ये आने के बाद वर्षा, हिमपात और जो आप कोहरा बोलते हैं, ये लेके आती है। और एक इसमें फायदा भी हम मतलब हम लोग का होता है कि जो भी वाटर स्कार्सिटी होती है, यानी कि पानी की जो कमी होती है, यानी कि पानी कमी, इसका एक समाधान निकल के आता है, क्योंकि नॉर्थ के साइड में वाटर की जो स्कार्सिटी है वो ज्यादा होता है, खासकर दिल्ली के आसपास का जो एनसीआर रीजन है। इसके बाद में पश्चिमी विक्षोभ की आवृत्ति वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। क्या इसका मतलब हुआ कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, जो कि वेस्टर्न से फ्लो करती है मेडिन से, ये इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, यानी कि क्या इसका मतलब हुआ कि अब ये कुछ सालों में ये देखा गया कि बार बार ये मतलब अधिक ये आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि अभी आया खत्म, दिसंबर में हुआ तो 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसे भी रिपीट चीजें आ रही है, तो ये इसकी जो फ्रिक्वेंसी ये बढ़ रही है, ये एक पॉइंट आपकी प्रीलिम्स के लिए बन जाता है, ऐसे स्टेटमेंट पूछ लेते हैं। अब एक सवाल और निकल के आता है, क्या, सुन लीजिए, कि हमने कुछ दिन पहले एक साइक्लोन का क्वेश्चन था, ठीक है, साइक्लोन कौन सा था, मंडोप, मंडोप साइक्लोन, तो उसमें आपसे हमने पूछा भी था कि ये जो साइक्लोन होते हैं ना, तो एक नॉर्थ पार्ट में, यानी कि जो आपके उत्तर है और दक्षिण, इसमें साइक्लोन की जो रोटेशन होती है कैसे होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, तो आप हमें कमेंट कर देना ऑफलाइन कमेंट में कि नॉर्थ, यानी उत्तर की बात करें तो उत्तर में चक्रवात किस दिशा में फ्लो होती है, यानी कि साइक्लोन ये आपके क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज, आप उसमें कमेंट कर देना। बाकी इस आर्टिकल्स के बारे में इतना ही, ठीक है, तो इतना ही तो रखते हैं इस आर्टिकल्स को, ठीक है, बाकी कल हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं, साइक्लोन पॉइंट तक कर लिया, कोई बात, तो ये रहा आपका एप्लीकेशन। कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी हमने कवर किया, तो एग्जामपुर एप्लीकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर, वहां जाने के बाद में आप सर्च करेंगे एग्जामपुर, बस इतना सर्च कीजिए, एक इंटरफेस आएगा एग्जामपुर सरकारी नौकरी पे, इसको इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे और नाम को यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, और जितने फीचर्स जो कि एग्जामपुर आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस हो गया, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो जाते हैं, फिर ऑल इंडिया सिलेबस में टेस्ट हो जाते हैं, प्लस फ्री PDFs, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेस, जॉब सिलेक्ट्स जो कि आपको यहाँ मिल जाते हैं। रहा कुछ अपने डाउट्स के लिए, चलिए नो डाउट्स ना, चलिए हेमंत सिंह शुरुआत से जुड़े हुए हैं, चलिए थैंक यू सो मच जो लोग शुरुआत जुड़े हुए हैं, और शुरुआत से जुड़िए क्योंकि कुछ आर्टिकल छूटे ना, क्योंकि आप जब बीच में आते हैं तो दिक्कत कहीं कि आपको भी होती है और आप कुछ बीच में पूछते हैं, हाँ ये अलग बातें नहीं पूछते कभी, तो शुरुआत से ज्वाइन कीजिए क्योंकि क्लासेस 50 मिनट के आसपास में होती हैं, बिल्कुल 50 मिनट है ना, तो 50 मिनट आप टाइम दे सकते हैं, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अपने कुछ डाउट्स क्वेरीज के लिए, एडमिशन कुछ भी पेड कोर्सेज के लिए, और नीचे भी आपका एक व्हाट्सएप नंबर है जो कि आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपने ये जो कमेंट है ना, अच्छे फीडबैक क्लास के रिगार्डिंग, कैसी लगी कैसी नहीं लगी, अपने गुड फीडबैक, बैड फीडबैक आप दे सकते हैं ऑफलाइन कमेंट पे, है ना, तो आप दीजिए ताकि ये मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है, ताकि और भी अच्छे कंटेंट और लेटेस्ट कंटेंट हम लेके आ सकें जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो, ऐसा पॉइंट हम ना लेके आए ग्रंट पे जो कि बिल्कुल मसालेदार खबर की तरह हो, पढ़ने में मजा आए लेकिन एग्जाम के लिए कोई भी यूजफुल नहीं है, कोई यूटिलिटी इसकी नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में, है ना, और कल मिलते हैं कल 3 बजे।